मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और आज मैं हूं बेल्जियम के हिस्टोरिक शहर एंटवर्पन यानी कि एंटवर्प में और ये है इस सिटी की ग्रॉट मार्केट। इस सिटी का सेंट्रल स्क्वायर हिस्टोरिक स्क्वायर ग्रॉट मार्ट यानी कि द ग्रेट मार्केट डच में बोलते हैं। यहाँ पे डच और फ्रेंच दोनों चलती है बट यहाँ की अपनी भाषा शायद फ्लेमिश है विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर। और ये जो मूर्ति मेरे पीछे है ये बताती है कि शहर का नाम एंटवर्पन क्यों रखा गया। बेसिकली इसमें एक देवता बना हुआ है, आई गेस देवता ही है या फिर पता नहीं कोई डाइटी है, भगवान जाने, डेमी गॉड है। वो बंदा उड़ा के जो है एक कटा हुआ एक राक्षस का हाथ जो है फेंक रहा है पानी के अंदर। ऑंट यानी कि हाथ, वर्पन यानी कि उसको फेंकना पानी में, एक दैत्य को मार के उसके हाथ को पानी में फेंक के उसको निष्क्रिय किया गया था यहाँ पे, उसमें इस शहर का नाम पड़ा है एंटवर्पन। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, हिस्टोरिक, और आप मेरे पीछे गेबल हाउसेज और यहाँ का ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर तो देख ही रहे हैं। इट्स रियली क्यूट, सो आई गेस इट्स टाइम टू चेक द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ एंटवर्पन। और यहाँ पे एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड वी आर ऑन। मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी और स्वागत है बेल्जियम के एंटवर्प में। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, ब्रूज की डे ट्रिप से वापस आकर मैंने अपने ब्रसल्स के हॉस्टल से चेकआउट कर दिया था और फिर सीधा टैक्सी पकड़ ली। और इस टाइम बज गए 11:30 और स्टेशन तक जाना पैदल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इन कैमरों के साथ इन गलियों से होते हुए जहाँ पे कोई नहीं होता, सुनसान हो जाता है बीच में एक एरिया, तो इसलिए मैंने सोचा सेफ है टैक्सी ले लेता हूँ। ऊबर जो है वो पड़ रही थी समवेयर अराउंड 6 यूरो की, तो मैंने सोचा यार 2 यूरो की टिकट वैसे लेनी है, 4 यूरो के चक्कर में जो है 4 लाख के कैमरे ऐसे की तैसी ना हो जाए, इसलिए बस अब टैक्सी ले लिया। अब सीधा जा रहा हूँ सेंट्रल स्टेशन। आज की आखिरी ट्रेन भी पकड़ ली है, ये वाली पड़ी है 7 यूरो की एक तरफ के लिए, 7/8 = 56 अराउंड 600 रुपये की, और अब जाना है सीधा एंटवर्पन। फाइनली पहुंच गया हूं मैं एंटवर्पन सेंट्रल स्टेशन पे, ट्रेन से उतर गया हूं। और बेल्जियम में आखिरी दिन की सुबह हो गई है, सो के उठ गया हूँ, बट आते ऐसे ही सो गया था जिनको कपड़े पहन के गया था, क्योंकि रात को आते आते तकरीबन 2:30 बज गए थे पहुँचते। और इस शॉट में मेरी हालत थोड़ी सी टाइट इसलिए है क्योंकि मैंने ये शॉट अपनी एंटवर्प की आखिरी रात पे पार्टी से वापस आने के बाद लिया था, जो मैं दिखाऊंगा आपको अगले एपिसोड में। अब से 11 बज गए हैं, चेकआउट का टाइम हो गया, सब लोग निकल गए हैं, तो मैं आपको हॉस्टल का रूम दिखा दूँ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स दैट आई हैव स्टेड इन सो फार। और यहाँ पे बेड्स और फर्नीचर एवरीथिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और द बेस्ट पार्ट इसके यहाँ पे जो लॉकर है इनमें ताले वाले की जरूरत नहीं है, ये रूम की की से ही खुल जाते हैं। और क्योंकि आप स्टाफ बहुत फ्रेंडली है तो इसलिए मैंने सबसे पहले उनसे वो सवाल पूछा जो लोग मुझसे सबसे ज्यादा पूछते हैं। There's one question that Indians ask me a lot in comments. Is it common for men and women to be staying here together in the same mixed dorm? We have actually 2 possibilities for men and women to stay here. You have like the common rooms. The common rooms are the mixed dorms. Yeah. Women and men can stay there. There is no problem around it. But okay, it's normal that women do want to have their privacy. Yes. So there is a possibility that women can rent a dorm for only women themselves. But yeah, the men don't find it that hard to stay with other women. They don't actually want you. Yeah, they like to like it more than than others. So yeah, it's possible. Everything is possible. और ये बहुत ही खूबसूरत बुटीक हॉस्टल है, एक बड़ी मॉडर्न डिज़ाइन में बना हुआ, और यहाँ पे मैंने बहुत कम पैसे दिए हैं पर नाइट एज कम्पेयर टू एनी यूरोपियन कंट्री। लेट मी शो यू। और यहाँ पे चेक इन करने के बाद मैं ऊपर गया तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे एक प्रॉपर जिम है, ये एक 5-star होटल की तरह है, और जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो रूम है, इट इज़ रियली रियली गुड। And a lot of people think that hostels are for students and they don't have private rooms and accommodations. So what's the case with your property? That's not true. I think like maybe 10 years ago this was true. But today everyone loves to backpack. Everyone
wants to have like a comfortable stay, yeah, if you look at other hostels, yeah. It's just only beds and just only, it's not nice, but that's quite true actually. Dorms तो इनके amazing है but they also have private studio type rooms और ये आप ले सकते हैं अगर आपको privacy से बहुत प्यार हो या फिर आप अगर एक couple हो. Perfect. So yeah. what do you basically charge for on a regular day for a single bed dorm? 20 euro, yeah, not 20 in the season. And 20, how about a private room, the basic one? It's about 80 to 90. 80 to 90 euros. Not in the season because yeah, it's like uh-huh, flight prices. What's yeah, the season? The season is during Tomorrowland. Yeah. So during busy yeah, weekends, during when festivals. Is Tomorrowland? Tomorrowland July is actually in July, the 2 weeks of July, the 20th of July and the 27th. Where does it happen, in Brussels? No, in Bonn. In Antwerp. You're around. In Antwerp? Yeah. That's why everything is crazy around here then. Everything, oh, yeah. I don't know. Yeah. Tomorrowland happens here. Yeah. Wow, I'm gonna be coming back in July. Yeah, yeah, that's my birthday also. Ah, really? Happy birthday in advance. Wow. So yeah, yeah, then it's crazy around here. So every whole city lives around Tomorrowland. So. Washrooms and you can see room ke andar hi hain. Aur ye hai beech mein shower compartment. Aap room se seedha aa sakte hain. Aur this of course is a separate टॉयलेट, काले रंग की टॉयलेट सीट पहली बार देखी है बट ठीक है काली सही क्या फर्क पड़ता है. वी कैन हैव लाइक या और इनमें प्राइवेसी कर्टन्स भी हैं जो कि बहुत बड़े रहते हैं क्योंकि ओपन में हमेशा लाइट आती है या फिर कभी लोग आते जाते हैं अपने फोन की लाइट जलाते हैं तो उसमें थोड़ी सी हेल्प होती है. वैसे तो मैं हमेशा आई मास्क लेके चलता हूँ, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, और हेडफोन्स भी ताकि कोई शोर करे तो हेडफोन लगाए, कोई सॉफ्ट सा गाना लगाए और सो गए. अब स्टॉकहोम में भी 2000 रुपए में मैं एक हॉस्टल में रुका था जहाँ पे मुझे एक बहुत ही बेसिक सा बिना बेडिंग के एक डॉर्म बेड मिला था जिसके अंदर एक नॉर्मल से रूम के अंदर बिना एसी के विदाउट अटैच्ड वॉशरूम मैं रहा था. तो उससे कंपेयर करें तो ये बहुत ही बढ़िया है ना. और दो तीन मिनट हॉस्टल की छत पे गेड़ी लगाने के बाद जहाँ पे रात को एक अमेजिंग बार सेटअप हो जाता है, आप चाहें तो हॉस्टल के स्टाफ से ही फ्री मैप्स और फ्री गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको सिटी में कहाँ जाना चाहिए. Yeah, you have to take the tram, number 7. और ऑनटोर पर मैं पहला और आखिरी दिन, और अब मैं निकल रहा हूँ अपने हॉस्टल से एक दिन के लिए. ये सिटी बहुत है घूमने के लिए. मैं यहाँ पे इसलिए आता क्योंकि मेरे को ये हॉस्टल चेकआउट करना था, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप पर्सल से एक दिन के लिए आ सकते हैं. बट इस हॉस्टल के ठीक सामने मिलती है ट्राम नंबर 7 जो लेके जाएगी सिटी के सेंटर के अंदर. आप वहाँ पर उतर सकते हैं आराम से और सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक दिन में आ सकते हैं. बट क्योंकि मैं ऑन टू अपने मेनली सैटरडे नाइट एक्सपीरियंस करने के लिए आया था, इसीलिए मैंने अपने आधे दिन की डे ट्रिप को सिर्फ ओल्ड टाउन तक लिमिटेड रखा. और क्योंकि मई के महीने में भी मौसम ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए आपको एक जैकेट कई बार अंदर बाहर करनी पड़ सकती है. खैर, शुरुआत सिटी के सेंट्रल स्टेशन से जो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ ऑनटोअपन का ट्रेन बस और ट्रैम हब तो है ही, बट यहाँ से आप सिटी की बाइक्स भी कुछ ही पैसों में घंटों के हिसाब से रेंट कर सकते हैं. अब इतना सुंदर स्टेशन इन्होंने 1905 में बना लिया था और उसी के साथ लगता है ये बड़ा सा स्क्वायर जहाँ पे पहले तो एक और बाइक स्टैंड है जिसको टूरिस्ट और लोकल्स बहुत यूज करते हैं, और उसके बाद कुछ अमेजिंग मूर्तियां जो आपने वैसे भी मेरे वीडियोस में देखा होगा कि यूरोप में ब्रॉन्ज मूर्तियों की एक खास इंपॉर्टेंस होती है डेकोरेशन पर्पसेस के लिए, और बाकी बिल्डिंग के तो क्या ही कहने. और एक मूर्ति तो यहाँ के जू के गेट पे ही लगी है. बट ये ध्यान रखिएगा गाइस, यही वो स्क्वायर है जहां से बसेस आपको घंटों में एम्स्टर्डम, ब्रसल्स या फिर पेरिस पहुंचा सकती हैं. बट मुझे तो ओल्ड टाउन जाना था जिसका रास्ता भी यहीं से निकलता है.
सेंट्रल स्टेशन ठीक सामने है और यूरोप के कई बड़े शहरों की तरह जैसे कि मिलान, पेरिस, एंटवर्पन में भी जो स्टेशन के पास वाला एरिया है यही यहाँ का पहाड़गंज है, यानी यहाँ पे बहुत सस्ते होटल्स हैं और बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट है जहाँ पे 10 यूरो में बहुत ही बढ़िया वेजिटेरियन इंडियन बुफे मिलता है जिसके अंदर जैन मील्स भी होती हैं। और 6 दिन बेल्जियन खाना खाने के बाद मैंने देसी बुफे देखकर ऑब्वियसली पूरी थाली भर ली। एकदम बढ़िया परफेक्ट देसी थाली बना दी है। बुफे अनलिमिटेड, जितना मर्जी आप चाय खा सकते हैं। 10 यूरोस की कीमत है यानी कि तकरीबन 800 रुपए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट एक्सपेंसिव उस बंदे के लिए जो हॉस्टल में अपना खाना ग्रोसरी से लाके खुद बनाता है पैसे बचाने के लिए। बट उस बेल्जियम में जहाँ पे बेल्जियन फ्राइज भी 5 यूरो की मिलती हैं, वो भी एक डिप के साथ, उस हिसाब से तो ये बहुत डिसेंटली प्राइस था। बट बड़े दिनों बाद फुल पेट भर के सजी हुई देसी थाली खाने को मिली है। बूफे इससे सस्ता मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी यूरोपियन सिटी में। 800 रुपये में इतना मल, साथ में भी मूंग की दाल का हलवा भी है मीठे में, वो भी खाओ। इट्स रियली गुड स्वाद, बहुत ही स्वाद। पूरी थोड़ी सी अजीब किस्म की है बट है तो पूरी। फिर पेट भर के देसी खाना और कई हफ्तों बाद थोड़ा सा हलवा खाने के बाद मैं आधे दिन की अपनी एंटवर्प की डे विजिट पर निकल गया। ये जो मेन स्ट्रीट है इसको शॉपिंग स्ट्रीट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पैटियो रेस्टोरेंट्स हैं और इन पैटियो रेस्टोरेंट्स में अगर आपको खाना तो थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे नॉर्मल रेगुलर रेस्टोरेंट्स भी हैं जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, जहाँ पे 1 से 3 यूरो के बीच में बर्गर मिल जाते हैं। या वो सामने हो रहा। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ यहाँ की चेन्स है जैसे कि हेक्टर चिकन, जिसपे 10 यूरो में हाफ चिकन और फ्राइज़ और बेल्जियन फ्राइज एक्चुअली, और साथ में ड्रिंक मिल जाती है, विंग्स मिल जाते हैं 6-7 यूरो में। यहाँ पे थाई रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे जो वॉक बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर राइस और चाइनीज स्टाइल में बनी हुई फ्राइड राइस और उसके ऊपर चिकन टॉपिंग्स डाल के मिलती हैं 7-8 यूरो के आसपास, वो भी मिल जाती हैं। बट स्टेशन से कुछ ही कदम पर शुरुआत होती है हिस्टोरिक शॉपिंग स्ट्रीट की और यही वो बिल्डिंग्स है जहाँ पे कहते हैं कि रशियंस ने दबा के इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और अगर आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप से शॉपिंग किए बिना वापस नहीं जा सकते तो एंटवर्प की ये स्ट्रीट आपकी बेल्जियम ट्रिप की फाइनेस्ट एंडिंग होगी। और सिटी के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से यही जगह सबसे बढ़िया है। लाइव म्यूजिक यहाँ पे चलता रहता है, वाइब्रेंट लोग हैं, टूरिस्ट बहुत हैं। स्टेशन से लोग निकल के सीधा यहाँ घूमने आ जाते हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और पैटियोज और ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और यहाँ के छोटे से छोटे मॉल्स और प्लाजाज भी बाहर से ऐसे बने हैं जैसे कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग हो। और इनके अंदर जाओ तो इनके हॉल्स भी ऐसे होते हैं जैसे हैरी पॉटर का कोई सेट हो। और यहाँ पे आप यूरोपियन ब्रांड्स के कुछ कपड़े डिसेंट प्राइसेस में परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे सामान तो काफी अच्छा है, काफी सस्ता है, बट मैं अब यहाँ से कुछ ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी है। मुझे तो ट्राई रूम में पता नहीं कितनी देर तक नंबर नहीं आएगा और सिटी शूट करनी है जो की बहुत खूबसूरत है। इसीलिए मैं बाहर आ गया। बट वो अलग बात है कि यहाँ की अमेजिंग शॉप्स विद ग्रेट डिस्काउंट्स बहुत ही इररेजिस्टिबली इनवाइटिंग होती है। एंड टॉकिंग अबाउट इररेजिस्टिबल, फाइनली मैं पहुंच गया अपनी फेवरेट बेल्जियन चॉकलेट शॉप पर फिर से। और बेल्जियन चॉकलेट के लिए मेरी फेवरेट शॉप्स में से एक है द चॉकलेट लाइन, जो ब्रूज में भी थी वहाँ से मैंने पहले वाइट चॉकलेट ली थी और यहाँ पे एंटवर्पन में भी है। और यहाँ पे आप एक्चुअली फ्रेश चॉकलेट बनती हुई देख सकते हैं जो सीधा अंदर से आती है बन के सीधा काउंटर पे, एंड यू कैन बाय इट फ्रेश स्ट्रेट फ्रॉम द शॉप। और अगर आपको किसी के लिए बेल्जियम से बढ़िया सा सोवेनियर या परफेक्ट गिफ्ट लेके जाना हो, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। यहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स मिल जाती हैं एंड द कलेक्शन इज रियली नाइस। दे हैव सम गिफ्ट बॉक्सेस आल्सो, इट्स रियली गुड, रियली टेस्टी, टोटली वर्थ इट। व्हिच स्टोर डिड यू लाइक द मोस्ट ऑफ इट्स डिज़ाइन, ब्रूज़ और हियर?
I think this is more... It's more classic, yeah. Brooch is a bit more modern. Yeah. 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 Thank you. Please, sir. Oh, sorry. Please, sir. And 60 cents. There you go, sir. Thank you so much. No problem. For you too, sir. Bye-bye. मैंने सोचा लंच के बाद खाऊंगा बट इंतजार नहीं हुआ बहुत स्वाद है 40 यूरो पर केजी हेज़लनट है वेरी गुड और पैसे बचाने के लिए एक चीज मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं पानी इस पूरी स्ट्रीट पे और यहाँ के काफ़ी मेन एरियाज में वाईफाई फ्री है सिटी का वाईफाई होता है सिटी यानी म्यूनसिपालिटी का और आप वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पे अभी तक मैंने बेल्जियम में सिम नहीं लिया इस बार मेरे को सिम की जरूरत ही नहीं पड़ी मोस्टली सारी जगहों पे इंटरनेट होता है बट पहले मेरे को यूज़ करना होता था कॉमेंट्स वगैरह रिप्लाई करने के लिए इस बार क्योंकि साथ साथ एडिटिंग कर रहा हूँ टाइम बिल्कुल नहीं मिलता इसलिए फटाफट शूटिंग कम्प्लीट करके हॉस्टल जाता हूँ उसके बाद अपना एडिटिंग करी और फिर वीडियो डाली किस तरह करके सो गए वो अलग बात है कि बेल्जियम के बाद मैंने अपनी एडिटिंग पॉज कर दी थी क्योंकि मुझे शूटिंग से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था खैर शॉपिंग स्ट्रीट खत्म होती है तो शुरू होता है हिस्टोरिक ओल्ड टाउन और छोटे छोटे क्लासिक घर बेल्जियन सिग्नेचर आर्किटेक्चर ब्रिक फसाड्स और ढेर सारे टूरिस्ट जस्ट लाइक एनी अदर क्लासिक यूरोपियन ओल्ड टाउन बट विद अ बेल्जियन टच By the way, यूरोप में स्प्रिंग्स या समर्स ही वेडिंग सीजन होता है तो इस टाइम आपको यहाँ पे कई ब्राइड्स एंड ग्रूम्स टू बी अपनी बैचलर पार्टी या हेंस पार्टी सेलिब्रेट करते दिख जाएंगे बट मैं जा रहा था सिटी के सबसे हिस्टोरिक और आइकॉनिक लैंडमार्क की तरफ और ये फाउंटेन भी इस शहर के ब्रॉन्ज स्टैचूज के प्यार में बना था 1887 में और इस शहर का नाम एंटवर्पन कैसे पड़ा उसको भी ये स्टैचू डिपेक्ट करता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ बट आजकल ये हमेशा टूरिस्ट से घिरा रहता है So I happen to be with three beautiful ladies from Spain. Espanol? Yes. Espanol. I just know a few words in Spanish. One is pollo. Chicken. Pollo. Yeah. Pollo. Yes. Yes. I thought you were going to say fiesta. pollo. And another one probably is not the best one to say in front of ladies, but it's culo. Culo. He's not the most wrong that you can say. Yeah, yeah. And mamacita. Mama that's really awesome. I went to Mexico, so I learned a few words, yeah. But obviously just the one is true. फिर स्क्वायर की एक अलग ही तरह की चीज पे मेरी नजर पड़ गई आपको भी नजर मारनी है फॉलो मी और एक और खास चीज बता दूं आपको ये बिल्डिंग का जो बैकग्राउंड है इस बिल्डिंग में ये इन्होंने जो है फसाड लगा रखा है बेसिकली अब इनको पता है कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत है अब बिल्डिंग की मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो इन्होंने पूरा का पूरा ये प्रिंट करके बोर्ड लगा दिया है कि बिल्डिंग की जब मेंटेनेंस पूरी हो जाएगी तो ये कैसी दिखेगी या फिर ये हिस्टोरिकली कैसी दिखती है तो इसका मतलब ये कि ये शहर में अपने गंदगी बर्दाश्त नहीं करते ओब्वियसली ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट है तो अब इनकी आप कंस्ट्रक्शन का और मेंटेनेंस का तरीका देख लीजिए इट्स लाइक रियली नाइस वेल कैप्ट सारा गंद जो है अंदर ही होगा जो कंस्ट्रक्शन है अंदर यहाँ कोई शोर नहीं मिट्टी नहीं आवाज नहीं रेत नहीं चूरा नहीं रोड़ी नहीं बजरी नहीं Alright, so how long have you guys been traveling? Well, we came here on Saturday, I think, on Saturday for visit here. Yeah, okay. We are living here. Oh, you're living here? Yeah. Alright, how long have you been here? 3 years wow. now. 3 years? Wow, yeah. That's long. So, how have you found the city so far? My boyfriend lives here, uh-huh. So we meet each other in France and we come here for this year. So. Ah, okay, nice. So you met in France and in France? Yeah. And you kind of fell in love with each other or something? Yeah, yeah. Kind of like that, yeah. It's like a fairy tale story. Exactly. अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप यहाँ आए तो ये बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी हो क्योंकि यही इस शहर का एंटवर्पन पोस्टकार्ड पिक्चर स्पॉट है
Alright guys, so I have John with me who happened to be living here in the city of Antwerpen for 2.5 years, John? Yes. Where are you from originally? I'm from America. Ah, you are an American. Nice. Which yes. part? Illinois, Northern Illinois. Uh-huh, okay. And do you like it in Europe more or in back in the US? Every place is different. Yep. I like it in Europe more though, yes. Yeah, it's pretty, I guess. Yeah. तो अगर दुनिया भर से लोग आके यहाँ रहते हैं तो कोई बात तो होगी बट वापसी की इस टिकट के साथ मेरा दिन खत्म और मैंने ट्रैम पकड़ी और निकल गया वापस हॉस्टल की तरफ व्हिच पार्ट ऑफ स्पेन मैड्रिड वी आर फ्रॉम मैड्रिड फ्रॉम मैड्रिड अलिकांते फ्रॉम द सिटी ईस्ट ऑफ स्पेन आह ऑलराइट एंड यू आई एम फ्रॉम इंडिया तो गाइस मोस्टली ट्रैवलर्स काफी फ्रेंडली होते हैं थैंक यू बट लोकल्स भी यहाँ पीछे नहीं थे फिम्के फिम्के या इट्स हाउ डू यू स्पेल इट एफ ई एम के ई बट ये सब अगली वीडियो में पर फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन